अल्लाह मदद करे प्यारी बेटी। शुक्रिया बाबा। आसिया ने तुम्हें इस काम पे लगा दिया। नहीं, मैं बस खुद ही लेने आई हूँ, लेकिन शायद हो नहीं पा रहा। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह से ना सिर्फ तुम जमीन को नाराज करोगी और ना ही तुम अपनी हथेली को तकलीफ पहुंचाओगी। देखा बाबा, आपकी हर बात सुनकर बहुत सुकून मिलता है। आपकी हर बात में नसीहत होती है, सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हें पता है इस दुनिया में हर चीज का कोई राज है। दुनिया को अपने दिल से देखने के बाद सब राज जान जाओगी। बाबा, क्या कोई डरावने ख्वाब से बचने के लिए भी कोई राज है? क्या तुम डरावने ख्वाब देखती हो? उसका भी एक राज है। उसका राज दुआ है। अल्लाह से दुआ करो कि हर चीज अच्छी हो तो सब बेहतर होगा। पता है, इंसान सो जाता है लेकिन खौफ जागता है। अच्छी चीजों की आदत हो जाने पर सब चले जाएंगे, बुरी यादों की जगह पे अच्छी यादें आ जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाबा। शुक्रिया जवानों, मैं अब आ गया हूँ, तुम लोग जा सकते। नहीं, अभी हम नहीं जा सकते। अभी हमें भाई की महबूबा पे और नजर रखनी है। तभी से। वैसे उस जालिम की बेटी ने आपको तंग कितना किया है जवान? तेरी तो सर नीचे करो अपना, जल्दी आज नहीं आ रही क्या? अरे कर लो सर नीचे, शर्म नहीं आती तुम्हें? जल्दियों से लफंगे कहेंगे। पास मत आना, बहुत गुस्से में हूँ, तुम्हें भी मार पड़ेगी। बेहतर होगा कि दूर रहो मुझसे, समझ आ गई? ओए मेरे मुस्तफा, ओए आऊं अभी। शर्म नहीं है लोगों को, हद होती है यार। ये क्या है? तुम्हारे लिए मछलियां लाया हूं। गीत कहाँ है? सो रहा है। अल्लाह कबूल करे उस्मान साहब। अंगूठी नहीं है। सच कह रही है? ठीक है, जाओ इस खुशखबरी की तफसील लेकर आओ, फिर हम इस मसले पे तफसील से बात करते हैं। मैं जल्दी से मछली बनाती हूँ। बेटा तुम आओ, मेरी मदद करो। इस वक्त क्यों सोया हुआ है ये? इसे तो बुखार भी नहीं है। बुखार नहीं है, बोरियत से ही सो गया। फिर उसके उठने से पहले हम ये काम कर लेते हैं। कौन सा काम? ये मेरे शेर का घर है और वो अपने कैदियों को यहां पर रखेगा।
ताहिर ये क्या है, कुछ तो बताओ। ये कुछ तोहफे हैं जो अपने शेर के लिए लेकर आया हूं, तुम इसे खोलना मत। अच्छा नहीं खोलूंगी। ताहिर। नफीस। अंगूठी नहीं पहनी? पता है। कहाँ है? अपने बॉक्स में रखी हुई है। दरवाजा थोड़ा खुला रहेगा, उस्मान साहब को अच्छा नहीं लगेगा। मगर डब्बे में क्यों है? शायद मरजान ठीक से फेंक नहीं पाई। मेरी तरफ देखो ना तुम। चिल्ला क्यों रही हो, बच्चा उठ जाएगा। क्या मतलब है कि अंगूठी फेंकी नहीं उसने? ओ, अब तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछूंगी मैं, बस ऐसे ही। और मुझे इससे क्या मतलब, जहां पे भी है अंगूठी। वो अंगूठी एक पागलपन में पहनाई गई थी। ताहिर तुमने मरजान के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मरजान ने खुद अंगूठी उतारी और बाद में उसी ने उसको फेंक दिया। बहुत गुस्सा होगी। हाँ बिल्कुल। पता नहीं क्या कारनामा किया है तुमने। हो सकता है वो उदास होगी ना नफीस। ये जान लो कि मैंने मरजान को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा है। अगर वो खुद नहीं चाहती तो किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि अंगूठी उतार सके। मैं समझ गया ये वक्त मेरे लिए नहीं है। इतनी बड़ी बातें नहीं करो, किसी दिन कोई ये बातें तुम्हें याद दिलाएगा। कौन जाने, शायद। लेकिन उससे भी वादा नहीं कर सकता, ना ही हो तो अच्छा है। वो ठीक हो, मेरी आंखों के सामने वो काफी है।